दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि नेक बैंड बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ कर सकता हूं, तो ये पॉसिबल किया है टोरेटो ब्रांड ने। कैसे इसको आप कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं डिटेलिंग टेस्टिंग के साथ। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। आज हमारे पास एक काफी यूनिक फीचर्स वाले नेक बैंड आए हुए हैं टोरेटो ब्रांड की तरफ से। दैट इज टोरेटो ट्यून ईस नेक बैंड, और इसमें आपको डिटेचेबल बैटरी का ऑप्शन दिया गया है। ये मुझे काफी यूनिक फीचर लगा, और इसका प्राइसिंग है 1500 रुपए के आसपास। और यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैंने कूपन कोड भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको अप्लाई करके आप 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, 1200 रुपए के आसपास ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक्जैक्टली देख लीजिए बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है। इसमें आपको कॉल वाइब्रेशन अलर्ट्स का ऑप्शन मिलने वाला है, मैग्नेटिक और आपका फीचर मिल जाएगा। फीचर्स काफी आपको बढ़िया मिलने वाले हैं, लेकिन सारी आप डिटेलिंग चेक कर लीजिए टेस्टिंग के साथ, ताकि अगर आप एक यूनिक फीचर्स वाले नेकबैंड कंसीडर करने का सोच रहे हैं एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बड़े से बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको टोरेटो ट्यून ईस नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलेगा, और साफ साफ बॉक्स में ही मेंशन है इसमें आपको फ्री कॉम्पैक्ट डिटेचेबल बैटरी मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको मैसिव प्ले टाइम भी मिलने वाला है। बैक साइड में देखेंगे तो काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम सब डिटेलिंग में चेक करेंगे। और यहाँ पर आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिल जाएगी, और प्लस पॉइंट यह है कि जो बैटरीज दी गई है इसके अंदर आपको, उसमें आपको यहाँ पे 6 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली है रिप्लेसेबल। अगर बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो नेकबैंड को आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बैटरीज 6 महीने के अंदर रिप्लेस हो जाएंगी। ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है, कोई इशू आता है बैटरी को लेकर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। और यहाँ पर इसको हम क्विकली अनबॉक्स करेंगे तो ऐसी आपको पैकेजिंग मिलने वाली है, पैकेजिंग में काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है यहाँ पर। और इसको ओपन करेंगे तो एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको पैक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिलने वाली है, 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, यहाँ से वारंटी क्लेम कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में। एक एडिकेट लेंथ की टाइप सी केबल मिलेगी टू चार्जर नेक बैंड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको डिटेचेबल बैटरी भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा की रिंग भी दिया गया है बॉक्स के अंदर ही, इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड दी गई है, यहाँ पे जो सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया, काफी आपको सही क्वालिटी का मटेरियल मिल जाएगा। इसको आप आराम से वैसे फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट को लेकर। और यहाँ पर पूरी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाली है नेक बैंड की, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोरेटो की ब्रांडिंग मिलने वाली है, एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, साइड में यहाँ पे आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए, और यहाँ पर आपको 2 प्लस माइनस के बटन मिलने वाले हैं, मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया, यहाँ पर आपको डिटेचेबल बैटरी का ऑप्शन मिलने वाला है। जो ये वाला स्लॉट है इसको आप जैसे यहाँ से पुल करते हैं तो यहाँ से बैटरी बाहर आ जाएगी, और दूसरी जो बैटरी दी गई है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। अगर यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पर्सनल स्पेस में है, भाई म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, बैटरी डेड हो जाती है, या आप किसी कॉल के बीच में है, तुरंत यहाँ पे आप बिल्कुल बैटरी को बाहर निकाल के दूसरी बैटरी इंसर्ट करके बिल्कुल नेकबैंड को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, उस पर्पस के लिए डिजाइनिंग की गई है। ये वाला फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा, एक तरीके से यूनिक फीचर आप बोल सकते हैं, जो कि मार्केट में दूसरे नेकबैंड इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वैसे। और यहाँ पर आपको पतली सी वायर्स मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मेटेलिक के बर्ड्स, जो बर्ड्स की डिजाइनिंग की गई है, आपको मेटेलिक डिजाइन के आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। लुक एंड फील्स काफी सही प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट से ही बर्ड्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको दोनों में ही टोरेटो की लोगो लगा हुआ मिल जाएगा बर्ड्स में ही। और इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप यहाँ पे बर्ड्स को अलग करेंगे, ऑटोमेटिकली लास्ट पे डिवाइस से क्विकली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा, बर्ड्स को आप जोड़ देंगे इंस्टेंटली डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर बढ़िया तरीके से वर्क करता है, और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एक टाइम पे आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फिटिंग की बात करेंगे, नेक पे इसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करते हैं, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है नेक का बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई आपको ऐसे हैवीपन फील नहीं होगा, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे फिटिंग को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। और नेकबैंड लगाते से ही आप बोल सकते हैं 80 से 85% बाहर की नॉइस कैंसिल हो रही है, अच्छा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं एक्टिविटीज करना, रनिंग जॉगिंग करना, उस पर्पस के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं, कानों से ये बिल्कुल नहीं गिरते हैं, सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा, लॉन्ग आवर्स के लिए डेफिनेटली यूटिलाइज कर पाएंगे। और एक नजर हम डालेंगे इसके फीचर्स पार्ट को लेकर, तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, 13 mm का डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा, कॉल वाइब्रेशन अलर्ट्स के साथ ही आते हैं, साथ ही में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग, और यहाँ पर आपको डिटेचेबल बैटरी का ऑप्शन मिलने वाला है, बिल्ट इन आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको दोनों बैटरीज मिला के आप बोल सकते हैं अप टू 300 घंटे तक आप प्ले टाइम ले सकते हैं, अगर म्यूजिक को 60 या 70% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो। और साथ ही में आपको 3000 घंटे तक का स्टैंड बाय टाइम मिलने वाला है,
साथ ही में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है 10 मिनट। यहाँ पे अगर आप नेकबैंड को चार्ज करते हैं अप्रॉक्सिमेटली आपको 50 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर आप म्यूजिक को 60 या 70% वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो बैटरी पार्ट को लेके भाई बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आप चार्ज की दोनों बैटरीज का फुल चार्ज कीजिए आराम से आप घंटों तक बिल्कुल प्ले टाइम ले सकते हैं। एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी दूसरी बैटरी का यूटिलाइज कर सकते हैं। उस पर्पज के लिए नेकबैंड काफी बढ़िया लगे मुझे ये। और यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, जो अलग अलग दो बैटरीज दी गई है उनको आपको सेपरेटली चार्ज नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक एक बैटरी लगा के नेकबैंड के थ्रू ही चार्जिंग करनी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, यहाँ पे बटन कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा। प्लस को यहाँ पे अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं सिंगल प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा। और जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी बटन को यहाँ पे अगर आप डबल प्रेस करेंगे जो लास्ट नंबर है वो रीडायल हो जाएगा। और किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल प्रेस करेंगे इस बटन को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से इस बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए इस वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं 2 सेकंड्स के लिए तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। यही आपको बटन कंट्रोल्स मिलने वाले हैं जो कि सही तरीके से वर्क करते हैं। और इसमें आपको कॉल वाइब्रेशन अलर्ट्स का ऑप्शन मिलने वाला है, जो राइट साइड वाला पार्ट है, जब किसी का कॉल आएगा तो बढ़िया तरीके से वाइब्रेट होता है। अगर आप देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है ये। और इसमें आपको ऐसा कोई बिल्ट इन गेमिंग मोड तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप अभी देखिए BGMI गेम टेस्ट स्नैक बैंड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने OnePlus 9R में HBC कोडेक ऑन करके इसमें गेमिंग करके देखी थी। हालांकि इसमें आपको ऐसे कोई गेमिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें आपको कोई बिल्ट इन गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग के लिए इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। आपको लेटेंसी नहीं बहुत ज्यादा लगेगी, नहीं कम लगेगी, डिसेंट आपको लेटेंसी मिलने वाली है, लेकिन हाँ जो इनोडी एक्सपीरियंस है लाउडनेस से गेमिंग के टाइम में वो आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी। मेनली हालांकि गेमिंग नेकबैंड तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी कैजुअल गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम करते हैं बात साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 13 mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, HBC AAC कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर हम ब्लूटूथ की बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं 10 से 12 मीटर की यहाँ पर आपको रेंज प्रोवाइड की गई है। मैंने आराम से यहाँ पे नेकबैंड को यहाँ पे यूज करके घर में घूम फिर के आप बोल सकते हैं मैंने म्यूजिक एंजॉय किया था। अब कनेक्टिविटी पार्ट को लेकर दिक्कत फेस नहीं होने वाली, ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, आप फुल वॉल्यूम में मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिएगा सुनना अपने कानों की सेफ्टी के लिए। लाउडनेस आपको काफी मिलने वाली है, 70-80% वॉल्यूम में भी सुनेंगे आपको यहाँ पे बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर। पर्टिकुलरली मेनली आपको बेस इफेक्ट ज्यादा चाहिए, इसमें आपको सराउंडिंग पावरफुल बूस्टेड बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। बेस लवर इसको आप डेफिनेटली बेस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, ट्रेवल्स भी आपको सही मिलने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन दिया गया, वहां मुझे लगा हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बेस ज्यादा दिया गया तो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में लगा थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी। मेनली आप बेस लवर, इसमें आपको बेस इफेक्ट्स काफी बढ़िया मिलने वाले, उसको लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। बात करेंगे कॉलिंग, इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी दिया गया है। आप हमारे देखिए अब HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम लगे हाथ। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बेबी बस स्कूल से आई है, उसको लंच करवा रही हूँ। अच्छा, लंच हो रहा है? हाँ। फ्री एक मिनट क्या? हाँ हाँ बोलो। अरे अभी मैंने यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे टोरेटो ब्रेन की तरफ से इनका एक ट्यून ईज करके एक नेकबैंड लॉन्च हुआ है। हाँ। तो अभी मैं फिलहाल ऐसी पार्क साइड कंडीशन में हूँ ऑफिस के बाहर, तो नेकबैंड से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, लाउडनेस एडिक्वेट है और क्लियर लग रहा है। बाकी ऐसे कोई डिस्टरबेंस लग रहा है बातचीत में हमारी? नहीं नहीं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती है नॉर्मल कंडीशन में? 85% है अच्छे से फोकस। हाँ। अब मैं थोड़ा ट्रैफिक कंडीशन में जाऊंगा, बताना कैसी कॉलिंग है। हाँ दीक्षा। हाँ। अब मैं तुमसे ना यहाँ पे थोड़ा रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, यहाँ पे क्या हाईवे रोड साइड में, तो यहाँ से काफी गाड़ियां जा रही है। तब तो मैं मतलब सेम नेकबैंड से बातचीत कर रहा हूँ, तब तो मैं कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन? आवाज अभी भी समझ में आ रही है अच्छे से, बैकग्राउंड की एक्टिविटी से पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन हमारी आवाज पे फोकस है, समझ में आ रही है आवाज में। पर हमारी जो बातचीत है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है इसको लेके? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो आउटर कंडीशन के हिसाब से? अब 75-80% समझ लो, 75% आउटर कंडीशन में ट्रैफिक कंडीशन में फोकस है। हां हां
ठीक है, दिखता थैंक यू। कॉलिंग यहाँ पे आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है, इंडोर कंडीशन में। आप यहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उस पर्पस के लिए बढ़िया ऑप्शन है, कॉलिंग को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हैवी ट्रैफिक कंडीशन में है, आपके आवाज से फोकस तो रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, लेकिन इसमें आपको कॉलिंग काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब हम कर लेते हैं रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10। दीस आर द रेटिंग्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सिमेटली 1500 रुपीज के आसपास। और यहां पर अगर आपको देखा जाए जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो वाइब्रेशन अलर्ट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैरिड ऑन ऑफ का फीचर दिया गया है, डुअल डिवाइस पेयरिंग दी गई है, और जो मेन फीचर है डिटैचेबल बैटरी का ऑप्शन, भाई यहाँ पे आपको बैटरी से बिल्कुल दिक्कत लेनी ही नहीं है, आप आराम से बैटरी को चार्ज करके निकल जाइए, आराम से आप घंटों तक सुन सकते हैं म्यूजिक को बिना किसी दिक्कत के, आराम से कोई बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाए दूसरी बैटरी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक बढ़िया इनिशिएटिव लगा मुझे ब्रांड की तरफ से। तो आपको इनिशिएटिव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यहाँ पर मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं कूपन कोड के साथ, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं कम प्राइस पॉइंट में। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द रेटिंग्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च टोरंटो ट्यून ईज नेक बैंड विद अटैचेबल बैटरी ऑप्शन। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।